गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम फतेहश्वर, लेकिन हम यहाँ रास्ते में इसलिए रुके हैं क्योंकि हमें आगे का रास्ता पता नहीं है, तो पहले हम गूगल मैप कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने गूगल मैप कर लिया है और यहाँ से आगे तीसरी गली पे हमें जाना है, मुड़ना है और उसके बाद हमें सीधा जाना है ताकि हम फतेहश्वर पहुँच सके। तो चलो चलते हैं। पीछे छूट गया बोर्ड, हमने देखा फतेहश्वर जाने का रास्ता उधर से थोड़ा उधर है, तो चलो फिर से यूटर्न लेते हैं और वहां से चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं फतेहश्वर महादेव। तो अभी यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है चलिए आपको दिखाता है। ये वो गेट है जहाँ से हम अभी एंट्री किए हैं और यहाँ का ये चारों ओर का नज़ारा रहेगा। दोस्तों बड़े 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 पेड़ हैं यहाँ पर और बहुत सारे, एक नहीं है बहुत सारे पेड़ हैं। और पेड़ के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे बैट्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, आवाज़ भी सुन सकते हैं आप उसकी। गेट के अंदर आते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये मोतियों से जड़ा हुआ, छोटे छोटे कंकड़ों से बनाया हुआ खूबसूरत डिज़ाइन। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फतेहश्वर। यहाँ पर आपको बीच में एक शिवलिंग देखने को मिलेगा, नीचे नंदी जी की मूर्ति दिखने को मिलेगी और ऊपर भगवान शिव का मूर्ति दिखने को मिलेगा आपको। यहाँ गणेश जी और यहाँ हनुमान जी और यहाँ पर छोटा सा थोड़ा सा पानी आपको देखने को मिलेगा। कांच, ये कांच का बना है क्या? नहीं, ये है कांच। ये छोटा कुछ कुछ कांच है यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। अभी हम मंदिर के इस ओर चलते हैं, देखते हैं अभी और क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ये मंदिर है यहाँ पर,
दोस्तों, मैंने अभी आपको एक नदी दिखाई जो बारिश के समय में बहुत भरी भरी सी रहती है। चलिए अभी वहाँ पर चलते हैं। पानी नहीं था लेकिन चलते हैं देखकर। अभी यहाँ पर आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जब बारिश होती है तब यहाँ से बहुत लंबी नदी निकलती है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको देखिए। अभी वापस ऊपर चलते हैं। तो मैं और तक सभी यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। अपना ट्राइपॉड भी यहाँ पर साथ में लेकर आए हैं। ट्राइपॉड भी हम साथ में लेकर आए हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे हम, और ये वीडियोस मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे डालूंगा, मौज में डालूंगा। मैं ज़्यादातर मैं मौज में डालता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम की आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक करता ही हूँ, इसमें भी कर दूंगा। बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड रहेगा मेरा, कांच से होते हुए ये जो शंख लगाए हैं ना यहाँ पर, उसके ये यहाँ से लेकर पूरा ये बैकग्राउंड रहेगा मेरे वीडियो का आज का, जो बहुत मस्त दिख रहा है यहाँ से। अगर इसमें भी कुछ ज़्यादा फिल्टर वगैरह करके डाला तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे शॉर्ट वीडियोस भी यहाँ पर शूट हो गए और अभी निकल रहे हैं हम घर की ओर। हमारी बाइक रखी हुई है वहाँ पर। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, हम घर पहुंच चुके हैं और अभी मैं एडिटिंग करने के लिए बैठा हूं इस वीडियो की जो आप देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अभी शाम के वक्त ही अपलोड कर दूं मैं, इसलिए मुझे जल्दी से एडिट करना होगा। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मुझे दूसरे दिन से अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी मैं एडिट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शाम तो हो गई और एडिट करते करते मतलब इतना टाइम हो गया कि मैं वीडियो को अभी भी पूरा एडिट नहीं कर पाया हूँ और आज मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अभी जब देख रहे हैं तो मतलब कल देखने वाले थे, वो भी आप आज देख रहे हैं, इतना लेट हो गया, मतलब एक दिन लेट हो गया मैं। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और मिलते हैं अब हम अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।